छोटू, छोटू। जी भाभी जी। इसे भैया को देखे आ। हाँ भाभी जी। और सुन, हाँ? वो जो नई नर्स आई हुई है ना, कहाँ है वो? वो हॉल में है। उसको जरा यहाँ भेजो। जी भाभी। हाय मैम। हाय मैरी। मुझे मैम बोलने की जरूरत नहीं है, रेनू बुलाया करो। जी रेनू जी। चाय पियोगी? जी। मन लग रहा है यहाँ पे? अच्छा, बाबूजी का खाना तैयार है। तुम तो नर्स हो, तुम्हें तो पता ही होगा पैरालाइज को कैसे खाना खिलाया जाता है। जी। लो चाय पियो। अच्छा, वैसे बाबूजी को खाने में क्या क्या पसंद है? बाबूजी को दाल बहुत पसंद है, खास करके उनको चिकन तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, और लेग पीस के तो बहुत ही शौकीन है। और क्या है ना, उनको चबा कर देना पड़ता है। मतलब अपने ही मुंह से चबा के? जी हाँ। अच्छा सुनो, उनके नहाने का समय हो गया है, तुम जरा जाकर देखो पानी गर्म हुआ कि नहीं। जी। अब मुझे बाबूजी से मुक्ति मिल जाएगी, अब उनके पास जाने की मेरी कोई मजबूरी नहीं है, अब मुझे वो छू भी नहीं पाएंगे और ना ही उनकी घूरती नजरें मेरा पीछा करेंगी। बहु, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। लगता है दरवाजा बंद करने जा रही है। ओ, आओ मैरी। अरे ये तो मैरी है। जी बाबूजी, आज से यही आपका ख्याल रखेगी। मैंने मैरी को सब कुछ समझा दिया है। लेकिन मुझे शक है ये उतना अच्छा नहीं कर पाएगी जितना अच्छा तुम करती थी मेरी सेवा। आप एक बार सेवा करने का मौका तो दीजिए, हम आपकी उम्मीद से बढ़कर ही निकलेंगे। छोटू, छोटू। अरे गैस चालू और छोटू यहाँ पर है ही नहीं। अभी बताती हूँ रेनू जी को। रेनू जी, रेनू जी, रेनू जी, रेनू कहाँ है? वो भाभी जी नहा रहे हैं। और ये गैस चालू करके कहाँ गए थे तुम? वो भाभी जी ने बुलाया था। ठीक है, जाओ काम करो तुम। ये रेनू जी ने छोटू को बाथरूम में क्यों बुलाया था? कहीं छोटू और रेनू जी का कोई चक्कर तो नहीं?
तुम मुझे ढूंढ रही थी क्या मैरी? अरे आप? हाँ मैं आपको ही ढूंढ रही थी, आओ ना बैठो ना। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया? वैसे बाबूजी का सारा काम खत्म हो गया था तो मैं अकेली थी और बोर हो रही थी तो सोचा मैं आपसे थोड़ी देर बात कर लूं। वैसे भी आपके अलावा कौन है मेरा? अरे जब भी तुम्हारा मन करे मुझसे मिलने आ जाना, बात कर लेना। अच्छा ये सब छोड़ो, मेरी ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? मेरे घर में बस मेरे, अब और खाने की इच्छा नहीं है। ठीक है। एक सुट्टा दो ना। देख क्या रही हो, दो ना। जलाऊं किससे, लाइटर भी तो दो। और इससे पहले कहां थी? हमको यहाँ 2 साल हो गया और हमारा मन लग गया यहाँ पे, और हम जानते तुम्हारा भी मन लग गया यहाँ पे। क्यों लग गया है ना? ज्यादा कर जा और अपना काम कर। काम तो मैं कर चुका हूँ, जब कल रात में तुम बाबूजी को मसाज दे रही थी तब। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, कि अपने इन नाजुक नाजुक हाथों से मेरे कुरुदुरे हुए गाल को लाल कर दोगी। डार्लिंग तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन उसके बाद हम सबको जाके बता देंगे। देख ज्यादा ड्रामा मत कर, तुझे जिसको जो बोलना है ना तू बोल और निकल यहां से, निकल। इस छोटू को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, संजय को बोलती हूँ। बहू, बहू किधर हो? बहू जी। बाबूजी। बहू हमारा एक काम कर दो। जी। अलमारी से हमारा कुर्ता निकाल कर ला दो। ठीक है। पहना दो बहू।